उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश में करीब 1700 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन दोनों ही जगह पर एक बात सामान्य हो गई है, हिंदुओं की आस्था पर चोट। वैसे यूपी की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, जहां कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होता, वहीं बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथ आग में जल रहा है। हिंदुओं की आस्था पर आज भी प्रहार हुआ है। दूसरी ओर बिजनौर में मां काली की मूर्ति खंडित कर दी गई। यूपी के बिजनौर में तनाव बढ़ गया है। सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश को मिनी बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है, क्योंकि ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये जलता बांग्लादेश और हिंदू मूर्तियों पर होने वाले हमलों की वो तस्वीरें हैं जो अब भी आप भूले नहीं होंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की आस्था का लगातार अपमान अब भी परेशान करने वाला है, लेकिन इनमें से कुछ तस्वीरें ढाका से करीब 1700 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बिजनौर की हैं, जहां तनाव बढ़ा हुआ है, यहां भी आस्था पर प्रहार हुआ है, हंगामा जोरदार हो रहा है। इससे पहले कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान किसने किया, किस मकसद से किया, हम इस पर बात करें, पहले आप ये दो तस्वीरें देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें बांग्लादेश की हैं, जहां हिंदू मंदिरों पर अटैक अब भी जारी है। यहां लक्ष्मी माता के मंदिरों को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया है। दूसरी तस्वीर ढाका से हजारों किलोमीटर दूर बिजनौर की है, जहां शरारती तत्वों ने मंदिर में मां काली की मूर्ति को खंडित कर दिया। साफ है ये अलग अलग देश हैं, अलग अलग जगह है, लेकिन इन दोनों ही घटनाओं में असामाजिक तत्व और कट्टरपंथी शांति भंग करने की साजिशों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। बिजनौर के सुहारा इलाके की इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। यहाँ के लोग आंदोलन की धमकी तक दे रहे हैं। समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, समाज के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है, और ये कार्य, ये जो कार्य है, यथायोग्य जल्दी से जल्दी हो जाए। प्रशासन को हम 24 घंटे का समय इसके लिए देते हैं, मतलब भाई इसके बाद हम आंदोलन के लिए बाध्य हैं। कोई हमें दोष ना दे कि कल के दिन को व्यवस्था खराब हुई, क्या हो गई, इतना हम कहना चाहते थे। लोगों का आरोप है कि यहाँ संदिग्ध गतिविधि होती है। फिलहाल पुलिस की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। पुलिस अज्ञात लोगों की तलाश में जुटी है, जबकि इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा एक शिव परिवार की मूर्ति को हटा दिया गया है तथा काली माता की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। संबंधित से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के खुलासे के लिए दो टीमों का गठन किया गया है। इस घटना के बाद संत समाज भी बेहद गुस्से में है। जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहां के लोगों में गुस्सा है और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, शासन की होगी। अब इस मामले में सियासत की भी एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रही है, जबकि बीजेपी इसे साजिश बता रही है। ये सारी चीजें आपको सांप्रदायिक बनाने के लिए की जा रही है, और इसमें कहीं ना कहीं उन सब लोगों का हाथ है जो वोट आपसे सांप्रदायिक के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर चाहते हैं। और ऐसी सरकार, ये निकम्मी सरकार है कि जो इस तरीके के मुद्दों को रोकने की जगह इनके कुछ लोग उसको उकसावा दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ऐसे शरारती तत्वों की कोई स्थान नहीं, इनसे पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटेगा और जो इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। किसी भी इस तरह के लोगों को किसी भी तरह की छूट योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में नहीं है। आपको बता दें कि ये यूपी की हाल फिलहाल की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 4 अप्रैल 2024 को शिव जी की प्राचीन मूर्ति खंडित हुई, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। 18 जुलाई 2024 को सिद्धार्थपुर में भगवान की प्रतिमा खंडित हुई। यह मूर्ति खंडित करने वाला कोई और नहीं बल्कि मंदिर का ही पुजारी निकला। पुजारी ने मूर्ति तोड़ने का आरोप दो लड़कों पर लगाया था। 21 जुलाई 2024 को गोपेश्वर नाथ मंदिर में मूर्तियां खंडित करने की घटना सामने आई थी। यहां पुलिस ने आरोपी शाहरुख, अर्शद और अक्रम को चिन्हित किया था। 5 अगस्त 2024 को यूपी के हापुड़ में मूर्ति खंडित करने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। सवाल है, समाज में तनाव बढ़ाने के लिए आस्था पर प्रहार करने वाली कौन है? क्या कोई
गहरी साजिश हो रही है या फिर सांप्रदायिक माहौल खराब होने वाली कोई राजनीति इसमें शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.